बिजासन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गति अवरोधक हादसों का कारण बन रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजासन घाट से लेकर सेंधवा बाईपास तक बने गति अवरोधक पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। ग्रामीण कहते हैं कि इन गति अवरोधकों पर निशानों के लिए व्हाइट पेंट भी नहीं है, जिसमें ये दिखाई नहीं देते, और हाईवे पर कई स्थान पर गति अवरोधक बने वहाँ पर लाइटिंग भी नहीं है, जिसमें रात में दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से अक्सर ये दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाओं का सबब बनते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि हाईवे अथॉरिटीज और ध्यान दें और पर्याप्त लाइटिंग और अवरोधक को पेंट करें, जिसमें ये होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आए। बड़ी बिजासन से सचिन जसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है? सलीम खत्री। कहाँ के हो? गवाड़ी। ये जो गवाड़ी में जो गतिरोधक पर जो आए दिन गतिरोधक पर दुर्घटना होती है, क्या कारण से होती है? ये सफेदानी लगा हुआ है और कोई निशानी नहीं, और टेप लाइट रात में भी नहीं है और कोई यहाँ से वहाँ तक कोई निशान नहीं है। सिग्नल है कि नहीं? सिग्नल कुछ नहीं है इसका। अच्छा, और क्या क्या है? और उसके बाद में जो घटना होती है और एम्बुलेंस की या क्रेन की जरूरत पड़ती है तो कम से कम एक घंटे बाद आती है। इसी कारण परसों के रोज उसके ड्राइवर की मौत हो गई है। कभी यहाँ पे जगहों पे एम्बुलेंस या हेडर क्रेन आती वो रहती तो उसकी जान बच जाती, वो ढाई से तीन घंटे में बाहर निकला। तो आपने क्रेन के लिए फोन लगाया था हाईवे कंपनी को? हाईवे को लगाया, कम से कम एक से डेढ़ घंटे बाद आई हाईवे। क्रेन आई थी कि हाईवे की? हाँ, हाईवे की क्रेन नहीं आई थी। नहीं आई? नहीं आई। गवाड़ी में कितने गतिरोधक है? ये दो जगह है, एक बड़ के नीचे है और एक स्कूल के सामने है। दोनों जगह दुर्घटना होती रहती है? दुर्घटना होते रहती है डेली। कम कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है या गाड़ी से पीछे से आके घुस जाती, कार भी टुकाते रहती है और घटना डेली होते रहती है। घटना कारण यही है? यही है, उसके लाइट लगे और इसका सिग्नल मिले और टेपरों पे सफेद पट्टा डलेगा तो इससे दुर्घटना कम होने की संभावना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।